Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the exercise of chapter number 5. Back exercises की अब बात करते हैं. So सबसे पहला question हमारे पास है, make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. So simple हमें plant cell और animal cell का difference करना है. Question हम of course पूरा अपना notes में discuss करके आए थे, वही मैंने यहाँ पे डाल दिया है. Animal cell की बात करें, so cell wall is एब्सेंट, यहाँ पे हमारी सेल वॉल नहीं होती. प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल इज प्रेजेंट. अच्छा ये देखो क्या होता है, किसी भी उसमें से प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन जब हमने प्लांट सेल की बात करी तो उसमें एक और वॉल होती है विच इज दी सेल वॉल. ठीक है जी. सिमिलरली एनिमल सेल में हमारे प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं. देन वैक्यूल्स आर एब्सेंट इफ प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल. इसमें हमने देखा था एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे से वैक्यूल्स थे, लेकिन जब हमने प्लांट सेल की बात करती तो उसमें बहुत बड़ा सा हमारा वैक्यूल होता है, जिसमें सारा जो सेल का सैप होता है वो उसके अंदर होता है. ठीक है नेक्स्ट. अच्छा ये पढ़ लेते हैं, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड लार्ज इन साइज. सो एक तो वैक्यूल्स होंगे होंगे और साइज भी बड़ा होगा. देन एनिमल सेल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन न्यूट्रिएंट्स, अपने न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बना सकते. प्लांट सेल कैन सिंथेसाइज देयर ओन न्यूट्रिएंट्स सच एज एमिनो एसिड्स, विटामिन को enzymes that are required for by the plant. जो जो उनको चाहिए भाई खुद अपना बना लेते हैं. Then है animal cell में mitochondria is present in a large number. So mitochondria होते हैं which is the powerhouse of the cell. Mitochondria is present but in small size. तो वहाँ पे small numbers मतलब कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं. Then it is surrounded by flexible and thin plasma membrane, surrounded by rigid wall cell and plasma membrane. तो इसका जब हम बात करते हैं, surrounding में सिर्फ plasma membrane नहीं, तुमने शायद first उसपे number में बात करी थी. इसकी जब हम बात करें तो उसके rigid बहुत ही क्या बोलते हैं, rigid का मतलब समझ रहे ना कि भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फिर भी फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती. ठीक है तो वो होते हैं प्लांट सेल में. चलो क्वेश्चन टू पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ. हाउ इज अ प्रोक्रियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल. सो मतलब बेसिकली आपको प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताना है. सो जी सबसे पहले जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है. ये सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें सिंगल या मल्टी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं. देन यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऑलवेज एसेक्सुअल होता है, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है. ये हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, यहाँ पे ज्यादातर मल्टी सेलुलर चलते हैं. प्रोक्रियोट्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, और इसमें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, बहुत सारे हैं. ठीक है ना. देन है सेल डिवीजन इज बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से होता है सेल डिवीजन. एंड यहाँ पे सेल डिवीजन इज बाय माइटोसिस और मियोसिस. ठीक है जी. लास्ट इसके एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया का बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, और यूकैरियोट्स में बस प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंगी है, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन. अगर रप्चर मतलब खराब हो जाना, तो ब्रेक डाउन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द सेल एंड अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सिलेक्टेड मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ दी सेल इफ इट रप्चर्स. देन पहली बात तो मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है भैया, किसी भी जो हमारे सेल होता है उसकी कवरिंग होती है, एंड ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि अलाउ करेगी कौन सी चीज सेल से बाहर जाएगी, कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी. तो अगर ये हो जाती है खराब, तो पहली चीज तो द कंटेंट्स ऑफ द सेल विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड मीडियम, एंड नॉट ओनली अनवॉन्टेड मटीरियल विल बी एबल टू एंटर फ्रीली इन टू द सेल बट यूजफुल मटीरियल विल ऑल्सो डिफ्यूज आउट. सो अब देखो सबसे पहले तो अब देखो, अगर एक चीज है जिसने पूरा बांध के रखा हुआ, अगर वो हट गई है खराब हो गई, तो जो भी उसके कंटेंट है एक्सपोज हो जाएंगे अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, एंड क्योंकि वो सिलेक्टिवली वो देख रही थी कौन सी चीज अंदर आएगी कौन सी चीज बाहर जाएगी, तो फालतू फालतू की चीजें भी सेल के अंदर जा सकती है, और सेल की जो यूजफुल चीजें हैं वो भी सेल के बाहर जा सकती है. ये होगा एंड सेल विल लूज इट शेप. अब कुछ सराउंडिंग रही ही नहीं है तो सेल तो फैला हुआ है, कोई शेप ही नहीं है सेल की. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन, अगेन इसको ऊपर कर लेते हैं,
So what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर Golgi apparatus नहीं होगा तो क्या होगा? So Golgi apparatus helps in the, अगर देखो इस type के question basically क्या है कि आपको पता होना चाहिए किसका क्या function है, तभी तो answer कर पाओगे कि हाँ अगर ये नहीं होगा तो क्या चीज होनी बंद हो जाएगी. So Golgi apparatus helps in the packaging, storage and transport of substance in the cell. So packing का, storage का, transport का सारा काम Golgi apparatus का होता है. If there was no Golgi apparatus, then the following things will happen. अगर नहीं होगी तो क्या क्या चीजें होंगी? पहली चीज, the material synthesized by endoplasmic reticulum. इसने जो सारी चीजें synthesize करी थी, protein ये बनाता है, lipids ये बनाता है, ये सब चीजें synthesize हुई थी, would not be carried to the various parts inside and outside of the cell. तो वो अलग अलग पार्ट्स में नहीं पहुंच पाए क्योंकि Golgi apparatus काम ही नहीं कर रहा जी. नेक्स्ट है, सिंथेसाइज मटेरियल कुड नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड फर्दर एज द Golgi apparatus परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन. ट्रांसपोर्ट तो होगा नहीं, हो साथ साथ स्टोर भी नहीं कर रहा, कोई मॉडिफाई भी नहीं कर रहा, वो काम भी रुक गया. देन देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ लाइसोम. अच्छा, ये अच्छा पॉइंट था ना हमारा लास्ट में कि ये हेल्प करता है उसके प्रोडक्शन में, तो लाइसोसोम्स ही नहीं बनेंगे. भैया लाइसोसोम्स ही नहीं अगर बनेंगे तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि सुसाइड बैग्स होते ना, यही तो सारा खत्म कर दे, वो कोई भी नहीं करेगा. सो There will be no production of lysosomes which will cause the accumulation of waste material, worn out and dead cell organelles within the cell which will ultimately lead to cell death. तो सारा गंद इकट्ठा होता जा रहा तो भैया सेल एक दिन मरी जाएगा. ठीक है जी. Now next चलते हैं. Next हमारा fifth question है, which organelle is known as the powerhouse of the cell? बहुत ही important question है. Phillips वगैरह में name the followings में आ जाता है. So mitochondria है answer. और क्यों है? Mitochondria is called the powerhouse of the cell as it produces energy by oxidizing the food and storing it in the form of ATP. तो भैया ये एनर्जी, सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है वो ये प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है एटीपी की फॉर्म में. ये एटीपी क्या है? इट इज लाइक द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, की एनर्जी करेंसी एटीपी होती है. कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दिस एनर्जी इज लेटर यूज्ड बाय वेरियस एक्टिविटीज बाय द सेल. तो सेल इस एनर्जी को यूज करता है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? कहाँ पे बनता है ये? ER में. So lipid and protein constituting the cell membrane are synthesized in endoplasmic reticulum. अब दोनों अलग अलग में, एक SER होता है smooth endoplasmic reticulum, एक होता है RER which is rough. ये हमने देखा था ना भाई, जब पढ़ा था तो उसकी फिगर भी देखी थी हमने. So अब जो SER है वो help करता है manufacturing of lipids. Lipids is basically fats. Then RER जो हमारा रफ वाला है has particles attached to its surface called ribosomes and these ribosomes are the sites for protein synthesis. ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है और उसमें फैट बनता है. Now how does an amoeba contain its food? अच्छा, ये हमने ना नोट्स में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन एक टर्म डिस्कस करी थी जो कि यहाँ पे कहाँ लिखी है, ये एंड इसमें हमने कहा था ये एंडोसाइटिस जो होता है इससे अपना फूड वो लेता है. अब यहाँ पे अमीबा का एग्जांपल है, फिगर भी अभी समझाती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं कैसे अपना फूड ग्रैब करते हैं. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द फॉल्स फीट कॉल्ड स्यूडोपीडिया. फॉल्स फीट मतलब नकली जो पैर बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो मैं भी आपको दिखा दूं. चलो देख लेते हैं. पहले ये हमारा अमीबा है, इसके अंदर का ये न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है. अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसको फूड पार्टिकल, देख रहे हो अमीबा और यहाँ पे कितना डिफरेंस है. अब ये ना इसने ऐसे नकली नकली ना इसे फैलना शुरू कर दिया अपने पैर, और जैसे ही फूड उसे लगे ना, हाँ बीच में आ गए, तो वो इसको बंद कर देगी जो इसने यहाँ पे कर दिया. तो आपने क्या देखा, उसने फूड को कर लिया ट्रैप, एंगल्फ कर लिया, एंड इस तरह से उसने फूड अपने अंदर ले लिया. अभी ठीक है, तो वापस आ जाते हैं. व्हेनेवर इट सीज फूड पार्टिकल इट्स फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन प्रोट्रूड, मतलब अपने आप को बढ़ाती है एंड एंगल्फ्स द फूड, फूड को अपने अंदर ले लेती है. दिस फूड इज देन ब्रोकन डाउन इनटू द फूड वैक्यूल व्हिच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम. दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. ठीक है जी, इस प्रोसेस से वो अपना फूड ऑब्टेन करता है. क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को अच्छे से समझने के लिए, पूरा डेप्थ में समझने के लिए आई विल मेंशन द लिंक हियर. बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए अच्छे से इस टॉपिक को कर लेना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है टॉपिक का नाम, इसके अंदर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. बिल्कुल आपकी कोई भी इस टॉपिक को लिए क्वेरी नहीं रहेगी. अच्छा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी पेरिएबल
सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. सो हाई कंसेंट्रेशन पे से लो कंसेंट्रेशन पे वॉटर का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है, और क्या वो जो मेम्ब्रेन है हमारी उससे मतलब आना जाना, सेल के अंदर बाहर होना. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप है, अगेन ऑस्मोसिस से रिलेटेड है. तो जी प्लीज ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा. कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट करना है हमें. टेक 4 पील्ड पोटैटोज हाफ्स एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स. तो क्या करना है, एक आपने आलू लेना है उसको बीच में से काटना है और हाफ में से भी पील करने के बाद एंड उसमें से एक स्कूप निकाल लेना है. ठीक है, मतलब एक छोटा सा उसमें होल कर दिया, छोटा सा मतलब एक जैसे चम्मच से हो, जैसे मैंगो खाते हैं ना उसमें स्कूप से, उस तरीके से. वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो. अब उसमें इन चारों में से एक बॉइल्ड पोटैटो का होना चाहिए. पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वॉटर. अब इन चारों को, कितने चार थे ना, ए बी सी डी, इनको हमने अलग अलग कंटेनर्स में रख दिया. अब कंटेनर्स में करना क्या है, कीप कप ए एम्प्टी. यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ आलू, वो जो आलू का हाफ है स्कूप के कप के साथ, कप के साथ मतलब जो उसमें होल किया है इसमें रख देना, उसको कुछ नहीं करना. पुट 1 teaspoon शुगर इन कप भी. यहाँ पे अब इसके साथ हमने पानी के में एक कप क्या डाली है, शुगर डाल दी बी वाले में. सी वाले में पुट 1 teaspoon सॉल्ट इन कप सी. सी में यहाँ पे हमने इस पानी में, इस पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया. एंड पुट 1 teaspoon शुगर इन. अब यहाँ पे डी वाले में पहली बात तो ये बॉइल्ड पोटैटो है हमारा, एंड इसमें क्या करना है, शुगर, शुगर ऐड करनी है. ठीक है जी. नाउ कीप दीज फॉर 2 hours, 2 घंटे तक इनको रख दो. देन ऑब्जर्व द 4 potatoes एंड आंसर द फॉलोइंग. तो अब देखो 2 घंटे रखने के बाद क्या होता है, क्वेश्चंस के आंसर देने. ठीक है, यहाँ पे देख लो, ए में हमने सिर्फ वो करके खाली छोड़ रखा है, इसमें हमने शुगर ऐड करी, इसमें सॉल्ट ऐड करी और ये बॉइल्ड है और शुगर ऐड करी है. सो पहला पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई वॉटर गैदर्स इन दी हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी. तो जी एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे जो हॉलो पार्ट है ना बी और सी में, इसमें वो जो है वॉटर है वो एक्यूमुलेट हो गया, ऐसा क्यों हुआ है. सो पहली पढ़ लेते हैं इसको. वॉटर गैदर्स इन दी हॉलोड पोर्शन ऑफ सेटअप बी एंड सी बिकॉज वॉटर एंटर्स दी पोटैटो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का रिजल्ट है जिससे पानी पोटैटो के अंदर गया है. क्यों गया है, क्योंकि बाहर जो था वो हमारा हाई कंसेंट्रेशन था, जबकि यहाँ पे जो हॉलो पार्ट था, खाली पार्ट था, वहां पे लो कंसेंट्रेशन था. तो वो हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे मूव करता है. सिंस द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर कंसेंट्रेशन, हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल. सेल के कंपैरिजन में बाहर हायर कंसेंट्रेशन है, द वॉटर मूव्स इनसाइड बाय ऑस्मोसिस. इसलिए हायर से लोअर में जाते हैं ना ऑस्मोसिस में, तो वो इसलिए घुस गया. हेंस वॉटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ द पोटैटो कप्स. ठीक है, तो ये दो में तो समझ आ गया. अब नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. अच्छा एक बात सोचने वाली है, पोटैटो ए को क्यों रखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं किया, पन्ना पानी में हमने कुछ मिक्स किया, बस एक ऐसे ही रख दिया. अब इसको रखने की जो मतलब क्यों रखा हमने, ताकि अगर हम नहीं रखते तो हमें पता ना चलता बी सी के कंपैरिजन कैसे करते कि हाँ भैया उसमें सॉल्ट डाला, उसमें शुगर डाला, इसलिए वो एक्यूमुलेट है. इसमें कुछ नहीं किया तो यहाँ पे कुछ होगा भी नहीं. सो पोटैटो ए एक्ट एज अ कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना, कंपेयर करने के लिए. थर्ड पार्ट एक्सप्लेन एक्सप्लेन व्हाई वॉटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड आउट पोर्शंस ऑफ ए एंड डी. ए और डी में क्यों नहीं हो, ए में तो सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं होगा, बाहर का एनवायरनमेंट अंदर का एनवायरनमेंट सब सेम था, तो कोई ऑस्मोसिस टेक प्लेस ही नहीं करेगा. डी वाले में जो हमने लिया था बॉइल्ड पोटैटो लिया था, जब आप पोटैटो को बॉइल कर दोगे तो सेल ऑलरेडी मर गए, डेड सेल्स तो वैसे ही ऑस्मोसिस परफॉर्म नहीं करते. पढ़ लेते हैं. सो वॉटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए बिकॉज देयर इज नो कंसेंट्रेशन डिफरेंस. कोई कंसेंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, ऑस्मोसिस तभी होता है जब हाई से लो में जाता है, वो तो कोई है ही नहीं अगर यहाँ पे कंसेंट्रेशन डिफरेंस, तो वो क्यों मूव करेगा. एंड हेंस नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस. वॉटर ऑल्सो डज नॉट गैदर इन द कप डी एज दी सेल्स ऑफ बॉइल्ड पोटैटो आर डेड एंड हेंस नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस. अब सेल अगर डेड ही है तो डेड सेल्स तो कोई भी परफॉर्म नहीं करेंगे ना ऑस्मोसिस. चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which type of cell division is required for growth and repair of body and which type is involved in
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सो गैमेट्स का फॉर्मेशन के लिए कौन से होते हैं, एंड गैमेट्स अच्छा हमारे वो थे ना सेक्स वाले जो हमने पढ़े थे, एंड रिपेयर और बॉडी का कहा गया ग्रोथ और रिपेयर के लिए कौन सा प्रोसेस होता है। सेल डिवीजन पढ़ा था हमने, सेल डिवीजन में हमने दो पढ़े थे माइटोसिस एंड माइओसिस। तो चलो पढ़ लेते हैं, देयर आर टू वेज इन व्हिच अ सेल डिवाइड्स, दो तरीके से सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस और माइओसिस। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इन्वॉल्वड इन द ग्रोथ एंड रिपेयर। सो माइटोसिस से ग्रोथ एंड रिपेयर वाला काम होता है। याद है ना हमने पूरा करा था कि दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और यहाँ वाले में डॉटर सेल ही आगे और फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, है ना। सो आगे है, वेयर एज माइओसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है जी। सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। बैक साइजेस कंप्लीट हो गई है, इन बिटवीन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टिल देयर इज एनी डाउट एनी क्वेरी आई एम प्लानिंग कि हम आगे जाके एटलीस्ट या तो लाइव करेंगे या मैं कोई सेशन किया करूँ जिसमें मैं आपकी हर चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स लिया करूंगी। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप तब मेंशन कर सकते हो। नाउ आई विल टेक यू लीव, आई एम साइनिंग ऑफ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।